कर्म। जीवित मनुष्य का पहला धर्म ही कर्म है, तथा संसार में आए हर एक मनुष्य के लिए कर्म आवश्यक है। महापुरुषों ने कर्म को योगी की संज्ञा दी है, और हो भी क्यों ना, बिना कर्म किए हमारा जीवन पशुतुल्य है, क्योंकि हमारा विश्व ही कर्म प्रधान है। परंतु दुख की बात यह है कि हम सभी अपने कर्मों के प्रति अग्रसर होकर धर्म का अनुसरण करने के बजाय समाज तथा लोगों की बातों पर अधिक गौर कर रहे हैं। अपने आशीर्वचनों के द्वारा महाराष्ट्री ने हमें बताया है कि आज हम अपने कर्मों से अधिक दूसरों के कहे कथनों पर ध्यान देते हैं, ये जानते हुए भी कि संभवतः हमें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, और हम अपने आत्मविश्वास से अगर अपने कर्मों को निरंतर करते रहे तो सफलता निश्चित है। सेवा कर्म के साथ होना चाहिए, और उसका फल नहीं है, आप तो सेवा करिए, आप तो रोपण करते जाइए। कोई कुमार मिट्टी बर्तन बनाता है, वो बनाते बनाते कई मिट्टी बर्तन बना देता है, इसी तरह कर्म को का महत्व है, सेवा का महत्व है। डॉक्टर लोग सेवा करते हैं, नर्स सेवा करते हैं, जो आपकी संस्था में जो काम कर रहे हैं सभी एक हैं, सबका काम एक है, सबकी जिम्मेदारी है, सबको एक ही जगह चलना है। तो उम्र जो होती है हमेशा बिजी रहिए, आप परिश्रम करते रहिए, आप खाली बैठेगे तो आप थोड़े सर, इसलिए खूब काम करना चाहिए। आपको जीवन मिला है भगवान की कृपा से, वो भी मनुष्य, आप काम करिए, आप इधर उधर नहीं देखिए। कभी आपने घोड़ा देखा होगा, टांगा पे बैठे होंगे तो घोड़ा के आगे कुछ लगा रहता है टांगे, जिससे वो इधर लक्ष्य को भागता है टांगा। इसी तरह के अपन कोई व्यक्ति इधर उधर बैठता हो, तो बाजार है, रंग रूप गंध, भटकने का डर बहुत है, इसलिए सेवा क्यों बढ़िए, आप सेवा के साथ साथ आप भटकने का चांस कम रहेगा। लेकिन फिर भी हम समाज की बातों में आकर अपने कर्तव्य पथ से भटक जाते हैं। महाराष्ट्री के कथनानुसार अपने कर्म के प्रति एकाग्रता हमें सही स्थान पर ले जा सकती है, क्योंकि कुछ दोषयुक्त मनुष्य हमेशा हमारी एकाग्रता को भंग करके हमें व्यर्थ की बातों तथा कुकर्मों में उलझाने के लिए लगे रहेंगे। अतः व्यर्थ कथनों से बचते हुए कर्म में मग्न होकर ही जीवन का ध्येय बना लेना आवश्यक है। इतनी सरलता, इतना उच्च पद होते हुए भी भारत का कौन व्यक्ति है जो इनको नहीं जानता होगा, पर वही सरलता संत का सबसे बड़ा गुण है। सरलता, विनम्रता, मृदुलता, मुदिता, ये जो रामायण में संतों के गुण कहे गए हैं, महाराजी में पूर्णतया विद्यमान, तो इन सब चीज़ों से बहुत मैं प्रभावित हूँ। मेरी पत्नी भी उससे भी ज़्यादा जुड़ी हुई है, मेरा बेटा आश्रम में आता है, और यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का मैनेजमेंट अपने आप में एक स्टडी करने के लायक। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि महाराज जी को आप साधुता के मापदंड पे न भी तौलें, तो इस पर तौलें कि कितना अच्छा इनका प्रबंधन और मैनेजमेंट है, और ना इन्होंने कोई कोर्स किया होगा, लोग इनके बारे में भी स्टडी कर करके शोध करेंगे कि कैसे कितना इन्होंने इस जगह को विकसित किया, अगल बगल विकसित किया, शैक्षणिक संस्थाएँ रायपुर में और अन्य जगहों पे सारी मतलब अच्छी तरह चल रही हैं, इतना संस्कृत का सारे संतों के बारे में, धर्म के बारे में प्रचार प्रसार, उनकी मूर्तियाँ, उनके बारे में ज्ञान, तो ये आश्रम जो है मैं तो समझता हूँ अपने आप में बहुत अद्भुत है। यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए, यहाँ पर गौशाला है, तो पूरा ऐसे लगता है कि हम लोग को जैसे भविष्य में रहना चाहिए उसका एक परिदृश्य यहाँ दिखाई पड़ता है। आज कर्म योग को अपने जीवन में स्पष्टता धारण करते हुए महाराष्ट्री शिरावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट का जन कल्याण करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपनी अनेक शाखाओं से आज शिरावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट धर्म, शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य का प्रचार करते हुए समूची मानवता को समर्पित हो कर्तव्यनिष्ठ है।